स्वागत करता हूं मैं ओमराज सदर आप सभी का आवाज इंडिया के उस बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। इस वक्त आज फिर हम लोग संविधान चौक में हैं और आज का छठा दिन है। राज्य सरकार के सभी कर्मचारी छठे दिन लगातार 6 दिनों से स्ट्राइक पर है, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक चल रहा है और मांग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि पुरानी पेंशन फिर एक बार शुरू की जाए। इन सारे लोगों को 6 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, 6 दिन से ऑफिस तो खुले हैं लेकिन काम पूरी तरह बंद है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनसे इस बारे में कब तक ये स्ट्राइक चलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, थाली बजाने से आपको लगता है कि सरकार की नींद खुलेगी? क्योंकि कहीं तो भी हम लोगों ने थाली बजा के कोरोना भगाने की कोशिश की थी, अब ये संभव है? इंस्पिरेशन से सब होगा, सब मिलके अगर एकजुट से सब बात करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुन मेरे बहना, सुन मेरे भाई, सरकार से है करनी लड़ाई, हम सब जब एक हो गए तो सरकार की शामत आई। पेन्शन वाली असली मला जरी पेन्शन लागू असली तरी मी माझ्या इतर बंदी बहिणींसाठी ज्यांना पेन्शन लागू नाहीये त्यांच्यासाठी या संपात सहभागी झालेली आहे। माझा यांना पूर्णपणे 100% पाठिंबा आहे आणि माझी सरकारला एवढी कळकळीची विनंती आहे की माझ्या सगळ्या बंधू बहिणींना ही पेन्शन लागू करावी। कारण मला माहिती आहे मी एक अपंग कर्मचारी आहे, माझ्यासारखे अजून इतर अपंग कर्मचारी इथे आहेत ज्यांना पेन्शन लागू नाहीये। आज मला कळत आहे की जर मला पेन्शन लागू नसती आणि म्हातारपणी मला काय प्रॉब्लेम झाले असते, मला जेव्हा आता माझ्या दिसतात आहे तर माझ्या बंधू भगिनींना हे प्रॉब्लेम येणार आहे। त्यासाठी माझी सरकारला विनंती आहे की कोणीच असो, अपंग असो नसो, कोणीच असो, पण प्रत्येकाचा हा आधार आहे म्हातारपणी। कारण वयाच्या 58व्या वर्षापर्यंत सगळे कर्मचारी इथे काम करणार आहे, त्याच्यानंतर 60व्या वर्षी त्यांना कोणी नोकरीवर घेणार नाही। मग त्यावेळी त्यांना जर पैसे कमवायचे आहे तर त्यांनी कोणाची मदत घ्यावी? तेव्हा त्यांना कोणी मदत करणार नाही आहे। म्हणून ही आमच्या हक्काची आहे, हक्काची पेन्शन आहे। म्हणून माझी शासनाला कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी त्यांना पेन्शन लागू करावं। संविधान के मार्ग से चालू है, हम ऐसा चाहते नहीं है कि सरकार ने कोई भी ऐसा हमारे जो पेंशन के लिए हमने जो हमारी मांगे कई सालों से पेंशन के लिए आज तक करते आए हैं, ये पूरी हमारी न्याय और हक की लड़ाई है। इसीलिए हम 14 मार्च 2023 से लगातार पेंशन के लिए संप में हमारा जो आंदोलन है कई कई तरह से चालू है। आज यहाँ का जो उत्साह है दिन ब दिन, पहले दिन से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, आज का जो छठा दिन है, ये पूरा ऐतिहासिक माहौल यहाँ पे बन चुका है। दिन ब दिन कर्मचारियों की संख्या यहाँ बढ़ते जा रही है और हमें कोई भी ऐसा हम करना नहीं चाहते कि सरकार का किसी की तरह का नुकसान हो। हमें ये चाहिए कि सरकार की तरफ से कुछ न कुछ पहल होना चाहिए और हमारी जो मांग है ये पूरी न्याय और हक के लिए है, हमारे परिवार के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 14 मार्च 2023 से चल रही है, सरकार को पूरी जानकारी है कि कर्मचारी रोड पे उतर गए हैं लेकिन अभी भी पेंशन के लिए पहल उठाई है सरकार के तरफ से उठाई नहीं जा रही है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर पेंशन के लिए इन्होंने कुछ भी समर्पक कार्रवाई अगर नहीं की तो ये जो हमारा आंदोलन है ये और बहुत ही तेज होगा और इसका जो पूरा नुकसान होगा इसकी पूरी जिम्मेदारी ये शासन की रहेगी। जब तक हम सभी कर्मचारी एकजुट रहेंगे सरकार को ये पेंशन देनी पड़ेगी। तुम लोगों को पेंशन चाहिए और हमने कौन सा गुनाह किया है? हम भी तो इस देश के एक जवाबदार नागरिक और सब काम करने वाले लोग हैं। हम भी 8-8 घंटे काम करते हैं, इसके अलावा भी काम करते हैं। हम अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, हम अपना हक, हम अपना कर्तव्य ये सब समझते हैं। हम कोई अनपढ़ गवार नहीं है और हमारा जो अधिकार है मौलिक अधिकार है हम यह लेकर रहेंगे। और सरकार को हम यह मैसेज देना चाहते है, अगर हमारी पेंशन की मांगे पूरी नहीं हुई तो तुम्हें तुम्हारी खुर्ची जरूर खाली करनी पड़ेगी। हमें एक ही हमारा सवाल शासन की तरफ भेजना है कि आपकी पेंशन के लिए आप एक मत से ताली बजाकर उसे एग्री करावाते हैं। बढ़ाना है
तो भी एक ही मत से आप हाथ ऊपर करके उसे एग्री करते हैं, फिर हमारे पेंशन के लिए आप इतना सोच विचार कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 3 महीने की हम एक कमेटी बैठाते हैं, वो क्यों, उसका कारण क्या है, ये सवाल साफ साफ हो जाए तो ये है कि आप लोग विधान भवन में नहीं है आप लोग, इसलिए तो आपकी पेंशन पे सोचा जा रहा है, शायद आप लोगों का वहां होती तो आपकी पेंशन बढ़ गई होती। नहीं, लेकिन उनके विधान भवन में जो हमारे जाते हैं विधायक जाते हैं, उनके तो 2 विधायक हमने अभी तक की गिरा चुके हैं हम, और हम यही इशारा देना चाहते हैं कि अगर ये पेंशन हमारी उन्होंने लागू नहीं की तो जो 2024 में हम सब कर्मचारी पूरी सरकार गिराएंगे। कहीं तो भी मेस्मा एक्ट के तहत आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोगों ने फिर एक बार अपने काम पे लगना चाहिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इस मेस्मा एक्ट को जबरन लादा गया तो भी हम अपने इस पे ठाम रहेंगे, जो करना है उनको वो करेंगे, जो उनको मेस्मा लगाना है मेस्मा लगाइए। सख्ती की कोई कार्रवाई होती है तो सख्ती की कार्रवाई अगर होती तो होने दीजिए ना, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाठी मार करेंगे, जेल में डालेंगे, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं सरकार, उसके ऊपर हमारी जान तो नहीं लेंगे, गोलियां तो नहीं चलाएंगे, वो तो नहीं करेंगे ना, वो क्या करेंगे, मेस्पा लगाएंगे, जेल में डालेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, लेकिन कितने नौकरी से निकाला जाए, निकालेंगे तो चलेगा ना, हम अपनी जान दे देंगे संविधान चौक में, हम सब कर्मचारी अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमारे कारण एक इतिहास बनेगा और आने वाली सरकार हमें पेंशन जरूर देंगी। 14 मार्च से जूनी पेंशन के लिए हमारा सबका ये आंदोलन चल रहा है। शासन क्या करता है, जब भी कोई हमें ऐसा आंदोलन करते हैं तो एक समिति अभ्यास समिति का गठन करते हैं, तो अभ्यास समिति के गठन इसलिए करते कि उनको जो समय है वो निकालना पड़ता है, 3 महीने के बाद भी वो समिति कोई निकाल देती नहीं है, फिर 6 महीने हो जाते, ऐसे सालों साल चलते आ रहा है। जब भी सरकार को हमें कुछ देना नहीं होता तब वो समिति की बात करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अभी शासन ने आमदार खासदार के जो पेंशन लिए हैं उनके लिए उन्होंने कौन सी समिति स्थापन की, उन्होंने तो खुद ही अपने पेंशन खुद ले लिए हैं, उनके लिए कोई समिति स्थापन नहीं करना पड़ता, उनके लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, फिर जो कर्मचारियों के भरोसे पे ये शासन चलता है फिर उन्हीं के लिए क्यों ये लोग समिति बिठाते हैं। मेरा ये कहना है शासन को कि जब कोविड का काल था सब हमारी जो परिचारिका थी, डॉक्टर थे, ये सब अपने कर्तव्य पे थे, जब ये सरकार आराम से अपने आईसी में आराम करते थे तब सभी कर्मचारी अपने काम पे थे, शिक्षक भी ऐसे थे कि शिक्षकों ने भी नाके पे काम किया है, घर घर में जाके कलेक्शन किया है, सर्वेक्षण किया है, ये सब हम कर्मचारियों करते हैं, और सरकार जो है सरकार वहाँ पे बैठ के सिर्फ बात करती है। हमारा शासन से ये कहना है कि अगर हमें ये पेंशन अब नहीं मिलेगी तो हम ऐसा ही हमारा अभी हमने तो शासन का आज 7वां दिन किया है, इसके बाद 10वां भी करेंगे, 13वीं भी करेंगे, और गरज पड़ी तो हम उनका कर्मास भी करेंगे और वर्ष श्राद्ध भी करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग पिछले 7 दिनों से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। सरकार की ये जवाबदारी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के अंडर हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन का अधिकार है, और वो अधिकार हमारे को 2005 तक मिल रहा था। उसके बाद में नई जो सिस्टम जो है एनपीएस के अंडर में 2005 के सारे एम्प्लॉय को कंसीडर किया गया, इस कारण जो है जो हमारा जो पैसा है वो पूरा जो है मार्केट शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, और अभी आप लोग देख रहे हैं अदानी के और बाकी जो व्यापारी है इनके जो फ्रॉड है वो अभी जनता के सामने आ रहे हैं, अपन देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो पैसा गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, हमारे बुढ़ापे में जो हमारा पेंशन आधार है, क्या गारंटी है हमारे साथ क्या होगा उस वक्त में? इसलिए हम लोग सभी, अब तक तो शिक्षक ही पेंशन के लिए डिमांड करते थे, आज हम लोग सारे एम्प्लॉय जो है राज्य कर्मचारी जो है यहाँ पर पेंशन की मांग को लेकर डटे हुए हैं, और इस बार पेंशन लेके जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस बार हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है पेंशन का, वो पेंशन का अधिकार हमें बहाल करे। जब ये मंत्री खासदार आमदार चुनकर आते हैं तो वो समाज का विकास करने के लिए बोलते हैं कि हम समाज का विकास करेंगे, समाज का उत्तरदायित्व लेंगे, मगर वो चुनकर जब आते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनको तो बहुत सारे घबाड़ उनके घर में है, कोटि का बिजनेस है, सब है, बंगला है, गाड़ी है, तो उनको क्यों पेंशन चाहिए? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम हम नौकरी करते हैं, समाज की सेवा ही करते हैं, हमारे
बचता है वो हम पीएफ करके काटते हैं और उसी का ब्याज लेते हुए पूरे समाज को वो घूमते रहते हैं पूरे मार्केट में वो पैसा, और उसी से समाज की प्रगति होती है और उसी में से हमको इतना ब्याज दर भी नहीं मिलता और उसी में से हमको अगर पेंशन देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, सरकार को क्या दिक्कत है? इस समाज में जो मध्यम वर्गीय लोग है वही नौकरी करता है और वो ईमान इतबार से अपनी नौकरी करता है, इसीलिए पूरा काम शासन का काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, ये मध्यम वर्ग नहीं रहेगा तो सिर्फ दो ही गढ़ यहाँ पे रहेंगे, एक उच्च वर्गीय और एक बहुत गरीब, और गरीब किसी की सुनता नहीं, उसका भी सिर्फ खाना पीना हो गया बस, बाकी उनको कुछ नहीं है। और जो श्रीमंत लोग है, उच्च वर्ग लोग बोलते हैं, उनका क्या है, उनको तो कोई पढ़ी ही नहीं है। अगर उनको कोई पढ़ी होती सामान्य जन की मध्यम वर्गीय की तो वो इस बारे में ऐसे तरह से विचार नहीं करते। और हम मध्यम वर्गीय लोगों को, नौकरी वाले लोगों की वो पेंशन कभी भी बंद करने के बारे में नहीं सोचते। तो मेरा यही कहना है कि सभी हम लोगों को जो लाइफ टाइम नौकरी करते हैं, प्रामाणिकता से नौकरी करते हैं, उनको पेंशन मिलनी ही चाहिए। हम सरकार से तो भीख नहीं मांग रहे कि हम हमारा हक ही मांग रहे हैं। अभी तक संप, ये जो बेमुद्दा संप 7 दिन से चल रहा है, हमने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि हमने सिर्फ प्यार से जो है, शांति से जो है, वही मार्ग से हमने अभी तक अपनी मांग रखी है। यहाँ पे सिर्फ टीचर्स लोग ही नहीं है, तो सभी डिपार्टमेंट के सब जो कर्मचारी है जो एनपीएस से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे है, और हम अपना हक ही मांग रहे हैं। एंटी जो क्या बोलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वो गवर्नमेंट कर रहे हैं हमारे खिलाफ कि ये ऐसे हो रहा है, इसका इफेक्ट जो है वो समाज पे हो रहा है, तो इफेक्ट तो हो नहीं रहा। और ये सिचुएशन लाई किसने? हमने तो लाई नहीं ना, हम कोई खुशी से सम पे नहीं आ रहे। हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी हम रेगुलरली कर रहे थे और उसके साथ साथ हमारी डिमांड भी रख रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन पे लाने वाले भी सरकार ही थे, इसलिए हमको बेमुद्दा संप का सब डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ ये हमको करना पड़ा। और हमारी आखिर तक यही मांग रहेगी कि जब तक शासन हमारी मांग पूरी नहीं करता तब तक हम बेमुद्दा संप करते रहेंगे। जो अभी एक फैमिली पेंशन का निकाली है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको मरना पड़ेगा, जो सर्विस कर रहे हैं वो सर्विस थ्रू मरना पड़ेगा तभी आपकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके पहले भी 2018 में शासन ने एक शासन निर्णय निकाले थे जिसको सानुग्रह अनुदान बोलते थे कि 10 साल के अंदर मरो आपको 10 लाख देंगे, यानी कि मरना ही है, मतलब सरकार नहीं चाहती कि आप लोग जिंदा रहे। ऐसा ही समझो, यानी कि कंपल्सरी आपको मरना ही है, अगर पैसे चाहिए तो मर जाओ। 2014 में सारे जो शिक्षक है पूरे महाराष्ट्र के, यहाँ पर बहुत बड़ा मोर्चा निकला था। हमने सरकार को अपने तरीके से ये बात बोली थी कि हमारे को हमारा हक जो है आप मुहैया करा दीजिए, बट सरकार ने ये हमारे को लॉलीपॉप दे के छोड़ दिया कि ठीक है हम एक कमेटी बनाते हैं, तो कमेटी स्टडी करेगी और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा। अब उसके बाद में क्या बनी, कमेटी बनी 2019 में कमेटी बनी, उसने उसने अपना वो जो स्टडी करना वो करे, तो 4-5 साल में उसके बाद मतलब कि हम दे नहीं सकते। आज की कंडीशन ऐसी है, जो जिनको पुरानी पेंशन मिलने वाली है उनकी तादाद अभी बहुत कम है, और सारे के सारे जो एम्प्लॉय है ये मैक्स टू मैक्स जो है ये सारे ये जो है एनपीएस वाले हैं, और इसलिए कुछ लोगों का अभी रिटायरमेंट आया, कुछ लोगों का हो गया है, उनको जो पैसा मिला है आप ऐसे शर्म महसूस करते हैं कि 2,000 और 3,000 रुपए लोगों को पेंशन के तौर पर मिल रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में। जो लाख रुपए कमा रहा था वो 2,000 और 3,000 रुपए में उसका कैसे गुजारा होगा? कुछ हमारे जो मित्र है जो हमारे पहचान में है उनका तो अब तक हिसाब ही क्लियर नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है, कहां पैसा गया, क्या गया, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये सारा जो है प्रॉब्लम कि कहां पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा, इसकी क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि 1982 की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो जैसी की वैसी, जैसी है वैसी हमको लागू करें, हमको कोई नया नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जो है वो चाहिए। बस यही डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर ये मोर्चा निकालकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्मचारी जर नसतो, एक आमदार बनलो असतो, तर आज तुम्ही आमच्या पायाखाली असते आणि आमच्या तुमची जी टोपी आहे ती आमच्या डोक्यावरती असते। मला आमदार साहेबांना हे सांगायचं आहे की तुम्ही नवा वर्ग शिकलेले आहात,
तुम्हाला काय माहिती आज इथे सगळे झालेले कोणी बीए बीएससी एमए एमएड बीएड सगळे झालेले आहेत, इव्हन एमडी सुद्धा झालेले लोक कर्मचारी म्हणून काम करत आहे। जो नवा वर्ग शिकलेला माणूस आहे तो काय सांगेल की म्हणजे इतके एज्युकेशनचं त्याला काय करणार, जो नवा वर्ग शिकणारा माणूस जर आमदार बनत आहे तर सगळेच भ्रष्टाचारी बनून आमदार सगळे भ्रष्टाचारी बनून देशाचा नाश करत आहे। ते सत्ता जी आहे तुम्ही चांगले सुशिक्षित लोकांच्या हातावरती द्या, त्यांना जाऊ द्या, त्यांना बनू द्या। तुमच्या सारखे जर आमदार असे बोलत राहतील तर हा देशाचा नाशच होणार आहे। आणि त्यांना हेही एक सांगू इच्छिते की जो त्यांनी म्हटलंय की मी शेतकऱ्यांना हसत पाठवतो, आजपर्यंत जर त्यांनी सगळ्या आमदारांनी शेतकऱ्यांना हसत पाठवलं असतं तर आज शेतकऱ्याची आत्महत्या हा विषय कुठेच नसता। पुरानी पेन्शन की डिमांड के लिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और सरकार जिस तरीके से बता रही है कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में है, मगर ये गलत बात है। वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हमारा ही पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही पैसा हमको मिलने वाला है। मगर पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमारे जीवन की जिम्मेदारी ये सरकार की थी, मगर सरकार ने जो है 2005 के बाद में उस पेंशन को बंद कर दिया, नई पेंशन को लाया। मगर आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो जनप्रतिनिधि लोकप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वो लोग सदन में जाते हैं, उन्होंने अपने लिए पेंशन चालू करवा दिए, जबकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। हम लोग उनको चुन के भेजते हैं और उन्होंने जो है हम लोग सिलेक्टेड लोग हैं, हमारा सिलेक्शन होता है, वो इलेक्टेड लोग हैं, मगर फिर भी उन्होंने अपने लिए असंवैधानिक तरीके से अपने पेंशन को चालू करवाया। जो संविधान ने हमको हक दिया है, बाबा साहब ने घटना के माध्यम से इस पूरे देश के अंदर में जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों को जो पेंशन का संरक्षण दिया है उस पेंशन को उन्होंने बंद करवा के इस देश के लाखों करोड़ों जो यहाँ पे जो कर्मचारी है उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। तो हम लोग महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग पूरे देश के पूरे महाराष्ट्र पे हम लोग पूरे राज्य के लेवल पे जो कर्मचारी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हम लोग को ये पुरानी पेंशन लागू नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आमचं म्हणणं आहे की नाही का जेव्हा तुम्ही आमदार आणि खासदारांना पेन्शन लागताना एकही मिनिट त्यांचं वाया जात नाही, त्यांना लवकरच त्यांची सगळ्या जेवढे काही आहेत त्यांची पेन्शन विषयीची लवकरच त्यांचे सँक्शन होऊन जातात। आणि आम्हाला यांनी आम्ही आमच्या जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही 2005 पासून लढत आहोत की आम्हाला आमची पेन्शन मिळाली पाहिजे, 2014 पासून समिती लढवत आहेत, पण ही लोक आम्हाला अजूनही आमचा हक्क देत नाही आहेत। म्हणून आमचा हा जो लढा आहे तो जोपर्यंत आम्हाला जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत हा कायम राहणार आहे आणि आम्ही असेच पूर्ण आंदोलन करत राहणार आहोत आणि समोर येणार आहोत। एनपीएस की बहुत पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एनपीएस लगाया, अगर इतना अच्छा एनपीएस है तो आमदार ने खुद पर एनपीएस लगाना चाहिए ना, और जूनी पेंशन इतनी बेकार है तो दे दो हमको, हम तो तैयार है जूनी पेंशन लेने के लिए। अच्छी एनपीएस उन्हें न लेनी चाहिए और जूनी पेंशन हम ही देनी चाहिए। जब शासन से पेंशन की मांग कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि तिजोरी पर भार पड़ रहा है। अगर तिजोरी पे भार पड़ रहा है तो आमदार खासदार की पेंशन क्यों शुरू है? इसमें वो बताते हैं कि आमदार खासदारों की संख्या कम है, आमदार और खासदारों की संख्या कम है, कर्मचारियों की ज्यादा है। कम या ज्यादा का सवाल नहीं आता है, नियम और कायदा सबके लिए समान होना चाहिए। और जो गायकवाड़ सर ने बोला कि कर्मचारी भ्रष्ट है, हराम की कमाई लेते हैं, तो जो भ्रष्ट कर्मचारी है उन पे कार्रवाई कीजिए ना आप, उसके साथ कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए आप सभी कर्मचारियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी है उन पे कार्रवाई करने की ताकत भी इनमें होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये खुद भी उतने ईमानदार होने चाहिए। ये खुद उतने ईमानदार नहीं है, अभी सीधा आरोप ये है कि ये लोग भी भ्रष्ट है। हाँ बिल्कुल है, इनकी संपत्ति अगर निकाली जाए ना सभी आमदारों की और खासदारों की, तो पूरे कर्मचारियों का पेंशन में इतना पैसा इनके घर में है। ये 5 साल चुन के आते हैं मगर इनके 7 पीढ़ी घर में बैठ के खाते इतना ये कमाते हैं, तभी इनको पेंशन चाहिए। और हमारा कर्मचारी वर्ग जो है वो 35 साल नौकरी करता है तब भी वो कर्ज बाजार रहता है, क्योंकि उसके लिए इतना पैसा उनका जमा नहीं रहता। बेटे की शादी होती है तो खर्चा कर्जा निकालना पड़ता है, बेटे की एजुकेशन करना पड़ता है तो उनको कर्जा निकालना पड़ता है, उसकी पूरी जो जिंदगी है वो पूरी कर्जे में जाती है। इसीलिए उनको पेंशन चाहिए कि वो बुढ़ापे में आराम से खा सके और बच्चों पे बोझ ना बन सके। हमारा कहना है कि वो जीपीएफ फंड में जो पैसे हमारे जमा होते थे वही वैसे होना चाहिए। अभी एक ने बताया बेरोजगारों ने, वो उसने सही बात रखा था कि जो हमारा फंड है विकास के काम के लिए हम खर्चा करते हैं, वो पेंशन आप बंद करके नई पेंशन स्कीम यहाँ पे लाई है। नई पेंशन स्कीम ने आपने किया ये कि हमारे 10% आपके
14%, जो 24% पैसा जो जा रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इसमें लगा रही है अपने म्यूचुअल फंड में लगा रही है, और वो पैसा वो उधर जा रहा है तो कोई मिलने वाला ही नहीं। मेरे को ये कहना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो पुरानी पेंशन देने के लिए नई पेंशन बंद करके जो पैसा कर्मचारियों का 10% है जमा, वो कर्मचारियों के जीपीएफ फंड में जमा करना चाहिए, और जो 14% पैसा है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है वो सेंट्रल का पैसा मिला के वो एक फंड तैयार करना चाहिए, और वो फंड तैयार करके उसमें हमारे ही ग्रेजुटी का फंड तैयार होके हमको पेंशन मिल सकती है पुरानी पेंशन। इनको कोई ज़्यादा का पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, इनकी इनके पास में जो पैसा है हमारा ही पैसा है, हम जो 24% पैसा आपको दिया है। हमारा कहना है कि इन्होंने मानना चाहिए, अर्थ संकल्प को तो इसमें रखना नहीं है, इसमें एक आदेश ही निकाला है कि हम सब 2005 से लगे वाले लोग हैं, नवंबर 2005 में लगे हैं, वो सबको हम पेंशन दे रहे हैं पुरानी पेंशन देने से अभी तो उनको पैसा लगने वाला नहीं है। अभी जो लोग 28, 29, 30 में जो रिटायर होंगे तभी उनको पैसा लगता है, जीपीएफ में तो इन्होंने डाला था, ये विकास के काम में ला सकते हैं। ये गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं, ये गवर्नमेंट बोलती है अभी वो संजय गायकवाड़ करके एक आमदार आपको लगाऊंगा बुलढाने वाला, उन्होंने बोल दिया है कि 95% कर्मचारी करप्ट है, ये तो 95% बोल रहे हैं, तो हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि पूरी सरकार करप्ट है, हम लोग करप्ट है तो इनके पास में कौन से आंकड़े हैं। 95% बोले तो 15.5 लाख कर्मचारी होते हैं, जो 18 लाख है अभी फिलहाल में, 15.5 लाख कर्मचारी जब यह है करप्ट है तो फिर देश में या महाराष्ट्र में ये सरकार जो विकास कर रही है किसके भरोसे कर रही है, कौन लिख रहा है, कौन विकास कर रहा है। आज बोले तो तलाटी से लेके ग्राम सेवक से लेके तो आरोग्य सेवक तक सब लोग इसमें काम करते, ग्रामीण में काम करते हैं तभी तो विकास होता है ना। अभी वो ग्राम पंचायत आप देखोगे तो एकदम डिजिटल जैसी दिखती, अपने आप तो नहीं हो रही ना, कर्मचारी कर रहा तभी हो रही ना। विकास में पैसे तुम लाते हो, पैसे किसके लाते हो, हमें इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा भरते हैं, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वही तो ज़्यादा इनकम टैक्स देती ना। लोकशाही है तो सबको यहाँ पे समान वेतन होना चाहिए, और सबको मतलब जो भी कायदे कानून है वह सबको समान ही होने चाहिए, उनको अलग और हमको ये, ऐसा क्यों, यह भेदभाव गवर्नमेंट ने बंद करना चाहिए। तो आप मानती कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है? बिल्कुल मतलब साफ तौर पर इन लोगों का आरोप यही है कि प्रशासन भेदभाव कर रहा है। अगर एनपीएस वाकई में बहुत अच्छा है तो एनपीएस उन लोगों ने खुद क्यों कर लेना चाहिए। थाली बजाने के पीछे का उद्देश्य मात्र सिर्फ और सिर्फ इतना है कि थाली बजाने से जिस तरह से कोरोना भाग सकता है तो शायद इस सरकार की बिल्डिंग खुले, इसलिए सारे लोग आज थाली बजाने का आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, इस थाली से क्या वाकई में सरकार की नींद खुलेगी या ये सरकार इसी तरह गहरी नींद में रहेगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ रुकते यही मिलते हैं अगले एपिसोड में, जुड़े रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।